Galvanometer is a device which is used to measure current. It's a very sensitive device and it can measure whether there is any circuit in the current. It is connected in the path of circuit, and if there is any current, it will give an indication. Okay, now what is the construction and what is the principle on which it works? That we will study. So first we will write introduction. A device to sense and measure. करंट को सेंस भी करेगी, प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, और दूसरा उसको मेजर भी करेगी. द प्रिंसिपल, it works on the principle of torque developed in a current carrying coil kept in a magnetic field. This we have done in the previous class. There is a coil which is carrying current, it is kept in a magnetic field, so it experiences force and torque, and because of that torque it tries to turn. Okay, that principle we are going to use here. Okay, then we will study one thing more in this principle. There will be a principle of radial magnetic field. Radial magnetic field. Now, what's a radial magnetic field? Dekhiye. For any coil which is placed in a magnetic field, here this coil is making at any time a certain angle. It may be like this, it may be like this, it may be like this while it is turning. Okay, then there is a magnet around it. Yeah. इस मैग्नेट का टॉप अगर हम देखते हैं तो कैसा होता है? यस, इसका टॉप ऐसे फ्लैट है. दिस इज नॉर्थ और ऐसा ही एक साउथ. अब हम इसमें थोड़े से ज्योमेट्रिकल चेंजेस लाते हैं. द चेंजेस आर इन सच ए वे कि हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया इस शेप का और इस सिलेंडर को ऐसा काट दिया. काटेंगे तो इसके अंदर हमको दो हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगी. ठीक है, फिर से ये हमारे पास एक सॉलिड है जिसके अंदर हमने एक सिलेंडर बोर किया हुआ है. वो बोर किए हुए सिलेंडर में देखिए, ये हमारे पास एक सॉलिड है. यहां पर हमने एक ये सिलेंडर बोर किया और बोर करके इसके बाद इसको यहां से काट दिया. जब हम इसको यहां से काटेंगे तो ये दो हिस्से हमको मिलेंगे और इसके बीच में हाफ सिलेंडर इधर और हाफ सिलेंडर इधर, दोनों तरफ से ऐसा कटा हुआ रहेगा. इस तरह से कि अगर मैं किसी सिलेंडर को उसमें ऐसे डाल दूं तो ये पूरा सिलेंडर उसके अंदर ऐसा चला जाएगा. इज दिस थिंग क्लियर? ठीक, तो ये दो मैग्नेट हमने लगाए और ये एक लोहे का सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर को ऐसा इसमें डाला. ये दोनों मैग्नेट हैं और ये एक सिंपल आयरन पीस है. उस समय मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा उसको देखिए. टॉप व्यू, नॉर्थ साउथ,
इन दोनों के पीछे हमने रेगुलर मैग्नेट चिपका दिया, ये इसका कौन सा पोल नॉर्थ और इसका साउथ, और ये लोहे का पीस चिपकाया। अब ये नया पोल, नया टर्मिनल बन गया उसका, ये दोनों पोल बन गए। अब इसके बीच में हमने आयरन पीस रखा, आयरन पीस इससे काफी सटा कर रखते, वेरी क्लोज टू इट, पर यहां स्टडी करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा दूर बना लेता हूं। ये ओके, दिस इज आयरन पीस। आयरन पीस की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी आपने देखा है आयरन क्या करता है। ओके, अभी हमने स्टडी नहीं किया है। एनीवे, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस। नॉर्थ साउथ, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्मली जो हमारे नॉर्थ और साउथ होते हैं, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहता है नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ, तो बीच वाला जो पोर्शन है यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है और ये स्ट्रेट लाइंस रहती हैं। अच्छा, अब जब हम यहां पर ऐसा सिलेंडर बना देते हैं तो इसकी शेप देखिए कैसी हो जाती है। यहां से जो लाइन जाती है इस तरह से, ये ऐसे, इसके अंदर से ऐसे, और यहां से निकलकर फिर इस तरह से यहां आ गई ऐसे। ठीक, अब यहां से जो लाइन जा रही है, दैट इज दिस वन, ये हमको दिखती है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इसके सामने ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे दिखती है और वो यहां पर निकलते हुए हमको दिखेगी, ये यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ, और ये यहां से ऐसे। इस तरह से हमको नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और कहां जा रही हैं, साउथ में, और बीच में ये आयरन पीस है। अब यहां पर जो लाइनें ऐसी ऐसी थी, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, जब हमने यहां पे लोहे का टुकड़ा रखा, इसकी शेप ऐसी की, तो ये लाइंस कैसी बन गई। ये लाइंस एक्चुअली कहां पर हैं देखिए, एक्चुअली ये लाइन यहां है, करेक्ट। ये वाली लाइन हमने पढ़ा है कि दो लाइंस आपस में काटती नहीं है, तो दो ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन यहां तो सभी इंटरसेक्ट करती हुई दिखती हैं, तो एक्चुअली होती नहीं है। तो कैसे होती है देखिए, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन यहां नहीं जा रही है, तो कहां जाती है, ये ऐसे आएगी और ये चली जाएगी। ये लाइन यहां से ऐसे आती है और ये ऐसे चली जाती है, ये लाइन यहां से गई ऐसे, और ये लाइन ऐसे। किसी लाइन ने किसी को काटा नहीं। हम बाहर से देखते हैं तो हमको क्या लगता है, दैट एवरी लाइन इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर। ये वाला जो फील्ड है, ये समझ आ गया। ओके, अगर ये आपको समझ आ गया तो अब मैं इसको बीच में लाइट कर देता हूं, और दिस थिंग, ये जो हमको दिखता है ब्लैंक स्पेस में, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है। क्या हुआ इसका ऐसा होने से, तो फिर से देखिए, इसमें मैंने एक कॉइल रखी, ये मैग्नेटिक फील्ड हम कहां बनाते हैं, यहां पर, ये दिस इज मैग्नेट्स एंड दीज आर कर्व्ड सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलेंडर मैग्नेट्स, ये सिलेंड्रिकल एंड्स वाले। इसके बीच में हमने ये क्या रखा है, ये आयरन कॉइल, और ये जो चीज है, दिस वी विल कॉल एज कोर।
आयरन कोर, ये रॉन्ग वाली चीज है। इसके बाद हमने ये उसके ऊपर एक फ्रेम लगाया और उस फ्रेम में हमने तार को लपेट दिया। यहां पर मैंने फ्रेम लिखा है, दिस इज रिजिड फ्रेम फॉर बेस। ओके, इसकी बात नहीं कर रहा। यहां पर एक हमने प्लास्टिक का ऐसा फ्रेम बनाया और उस प्लास्टिक के फ्रेम को देखिए, इस तरह से प्लास्टिक का फ्रेम, ये चार, और इस पर ऐसा लपेट दिया कॉइल को, तो ये कॉइल की ऐसी शेप आ गई, इस तरह की शेप। इस कॉइल को, फ्रेम को हमने कहां रखा हुआ है? आंसर है सिलेंडर के ऊपर। फिर से देखिए, ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने इस फ्रेम को ऐसे चढ़ा दिया, उसके ऊपर तार को लपेट दिया, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा सिलेंडर इस मैग्नेट वाले कुएं में ऐसे डाल दिया, फिर ऊपर से देखा। अब जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमको वो तार कैसी दिखेगी? स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये ऐसे। उस तार को हम देखते हैं कि वो कहां पर है, तो देखिए वो जो कंडक्टर है वो हमको यहां दिखता है ऐसे, ये कंडक्टर यहां पर दिखा। ये कौन सा कंडक्टर है? तो पिछले लेसन में याद करिए, ये थी लेंथ, ये थी विड्थ, और एरिया वेक्टर, इस अगर इसको हम विड्थ मानते हैं तो ये इसका एरिया वेक्टर था, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एस। इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनता था? थीटा, और टॉर्क कितना होता है? एन आई ए साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, वेयर साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, यहां पर वो एंगल कितना है? तो आंसर है कि जब ये कॉइल ऐसी है तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं और दोनों ऐसे बने हुए हैं। एरिया वेक्टर कहां है? तो एरिया वेक्टर यहां है, ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, दोनों के बीच कितना एंगल है? 90, तो ये थीटा कितना हो जाएगा? 90। उसके बाद ये फिर ऐसा घूम गया, करंट के कारण टॉर्क लगा और टॉर्क के कारण वो घूम गया, जब ये घूमेगा तो यहां पहुंच जाएगा ये इस सिचुएशन में। अब इसका एरिया वेक्टर कहां है? तो आंसर है, ये है इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो आंसर है, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब कॉइल ऐसे आ गई है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, ये एरिया वेक्टर है। अब एंगल कितना? 90। अब ये कॉइल ऐसा घूम गई, ऐसा घूमकर ये कॉइल इधर आ गई, जब ये इधर आ गई कॉइल तो एरिया वेक्टर ऐसा चला गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेना है हमको? ये वाला जिसमें कॉइल खड़ी है, ये, और ये एरिया वेक्टर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। अब ये एक बड़ी स्पेशल चीज है कि जब भी ये कॉइल घूमेगी हमेशा इसका एंगल कितना रहेगा? 90, किसी भी पोजीशन में। और अगर इसका एंगल 90 रहेगा तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क, इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? एन, यस, एन आई ए बी इंटू वन, ये। तो इससे हमने क्या किया? थीटा की डिपेंडेंसी खत्म कर दी। No more depend on theta. Okay.
ये हमने कैसे खत्म किया, ये हमने ये वाला मैग्नेटिक फील्ड स्पेशल बनाया और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, दिस इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन 90 डिग्री, सो द टॉर्क बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ आ गया? सो ये एक इसके कंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका मैग्नेट हम कैसे लेते हैं, सिलिंड्रिकल। व्हाई डू वी टेक सिलिंड्रिकल, सो दैट वी कैन क्रिएट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। व्हाई डू वी मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थीटा। उससे क्या होगा, तो उससे हमारा यह है कि टॉर्क वेदर इट इज 10 डिग्री 20 डिग्री और 30 डिग्री, whatever is the deflection, the quantity of torque will remain same. There will be no change in the torque. So, torque no more depends on theta. इसके लिए हमने ये बनाया. So, this is another principle. So, what we are using principle number one and principle number two. These two principles we are using in this. Now, we come to next and that is description. Description and diagram. It has a copper coil okay, it has a copper coil wound on a metal frame resting on a soft iron cylindrical core. ये देखिए, यहां पर हमने एक फ्रेम लिया छोटा सा मेटल, उसके ऊपर किसको लपेट दिया, कॉइल को। कॉइल को लपेटने के बाद इसको किसके ऊपर फंसा दिया, सिलेंडर। ये सिलेंडर कौन सा है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर। समझ आ गया? ओके, इसके दोनों तरफ पाइवट होते हैं, पाइवट मतलब एक एक नोक ऐसी निकली हुई, और एक रिजिड फ्रेम होता है ये। उससे क्या होगा, देखिए ये इसमें एक पाइवट इधर निकला हुआ है और एक पाइवट नीचे निकला हुआ है। अब यहां पर हमने फ्रेम लगा दिया तो ये ऐसा घूम सकता है आराम से। समझ आ गया? फ्रिक्शन इसको इतनी अच्छी नोक बना देते हैं कि ये फ्रिक्शन एकदम रिड्यूस हो जाता है, सो इट इज फ्री टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ऐसा इसका मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ये इस तरह से रोटेट हो सकता है। ठीक है, ओके। सो it is fixed with a hair spring which can create a counter torque when coil rotate. देखिए, ये coil frame में है, cylinder के ऊपर fix कर दी है। अब ये इसमें क्या है, pivot, ये दोनों तरफ नोक निकली हुई है pivot, और इस frame में ये pivot लगी हुई है। अब इस ये जो pivot है, इस पाइवट के साथ हमने ये हेयर स्प्रिंग लगा दिया। हेयर स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है स्पाइरल जैसे, ये इस तरह से, ये वाला जो है, दिस वन टर्मिनल इज फिक्स्ड विद द फ्रेम। यहां पर ये जो फ्रेम से
पाइवट आया है, इसके साथ हमने ये एक फिक्स कर दिया, और ये जो हिस्सा है ये बाहर फ्रेम मेन फ्रेम के साथ में हमने इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स विद द मेन फ्रेम। ओके, इससे क्या होगा देखिए, इससे जब ये ऐसा घूमेगी, जब ये ऐसा घूमेगी, ये जो मेन फ्रेम है ये बॉडी के साथ फिक्स है, बॉडी के साथ गैल्वेनोमीटर की, ये मेन बॉडी है, इसके अंदर में ये जो सिलेंडर वाला फ्रेम है वो ऐसा घूमा। जब ये फ्रेम, सिलेंडर वाला फ्रेम ऐसे घूमेगा तो इसके नीचे ये पाइवट भी घूमेगा, और जब ये पाइवट इसके साथ ऐसे घूमेगा तो इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, वो स्प्रिंग टाइट होता जाएगा। क्यों? उसको एक तरफ से हमने मेन फ्रेम से बॉडी से पकड़ाया हुआ है, दैट इज फिक्स, और अंदर वाला इसके साथ लगा है, ये जैसे ही ऐसा घूमेगा स्प्रिंग टाइट हो जाएगा। अगर स्प्रिंग टाइट होगा तो वो वापस अपनी लोकेशन पे आएगा, आना चाहता है, उसके अंदर एक रिएक्शन का फोर्स पैदा होगा, उस फोर्स के कारण वो एक रिएक्शन का टॉर्क बनाएगा, दैट इज नोन एज काउंटर टॉर्क। वो क्या करेगा, वो काउंटर टॉर्क ये जो घूम के ऐसा गया था इसको वापस ले आएगा, वो क्या चाहता है, ये वापस आ जाए। तो अगर हमने इस पर घुमाने वाला टॉर्क छोड़ दिया तो ये स्प्रिंग उसको वापस ले आएगा, दैट इज द वर्क ऑफ दिस स्प्रिंग। तो ये जैसे ही कॉइल घूमती है ये क्या क्रिएट करता है, एक काउंटर टॉर्क क्रिएट करता है। कितना टॉर्क क्रिएट करेगा इट डिपेंड्स, कि अगर वो बहुत हार्ड स्प्रिंग है तो ज्यादा टॉर्क क्रिएट करेगा, सॉफ्ट स्प्रिंग है तो कम टॉर्क क्रिएट करेगा। ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस हेयर स्प्रिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जब ये घूमेगा वापिस नहीं आएगा फिर। ओके, When coil rotate, okay, this. Now, this coil is free to rotate. This coil is free to rotate in a radial magnetic field. This coil is free to rotate in a radial magnetic field created by cylindrical magnets. तो ये हम फिट कर देते हैं दोनों cylindrical magnets के बीच में। जब ये रोटेट होगा, कितना रोटेट हुआ उसको मेजर करने के लिए हमने इस पर एक इंडिकेटर लगाया। जितना डिग्री घूमेगा दैट इज मेजर्ड बाय एन इंडिकेटर एंड ए स्केल विच इज हियर। ये इंडिकेटर ऐसे घूमेगा और इस स्केल पर डिग्री के निशान होंगे, उस पर हमको मिल जाएगा कि ये कितना डिग्री घूमा है। उसके बाद द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स, और हम यहां पर से एक्सटर्नल सर्किट का कनेक्शन करेंगे। यहां से करंट आएगी, ऐसे एंटर करेगी और यहां से वापस चली जाएगी, सो करंट विल फ्लो थ्रू इट। इसके लिए ये दो क्या है, टर्मिनल। ये टर्मिनल यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ओके, द रोटेशन इज मेजर्ड बाय एन इंडिकेटर एंड स्केल। The two ends of coil are connected to
two terminals for external connectors. Okay, the two terminals connected to two terminals of the external connection in the circuit. So ye yahan par humne terminal laga diye. So this is all description and diagram. Diagram aap banayenge, description likhenge, and every part will be given a label ki kaun sa kya kya hai. Now we understand ki isme kitne part hote hain. मेन पार्ट फिर से क्या क्या है. देर इज ए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय सिलिंड्रिकल मैग्नेट. देर इज ए कॉइल विच विल कैरी द करंट इन विच टॉर्क विल बी क्रिएटेड एंड दैट कॉइल इज फ्री टू रोटेट. वेन एवर द कॉइल रोटेट इट इज ब्रॉट बाय बैक बाय ए स्प्रिंग इन विच देर इज ए काउंटर टॉर्क is available or counter torque is created whenever the coil turns. ठीक है, ये इसके main part होते हैं. And to see how much it has turned, we have got an indicator and a scale which will show how much it has turned. Okay, ये हमने इसका description बना लिया और इसका diagram. अब हम ये देखेंगे how it works. Number 4, it's working. The current is flown or the galvanometer is connected with the circuit. When it connects with the circuit, the current flow in the coil. When the current flows in the coil and the coil is placed in a magnetic field, a torque is created in the coil. When a torque is created, due to this torque, it is trying to rotate. When it starts rotating, the spring gets tightened up. Spring gets tightened up and a counter torque is created in the spring. Then the counter torque keeps on increasing when the coil gets rotation. जैसे जैसे ये rotation increase होगा, coil में counter torque भी increase होगा rotate होते होते. लेकिन coil जो torque बना रही है वो change नहीं होता. That is same, वो torque हमने कितना पढ़ा है NIAB, वो उतना ही रहता है. लेकिन counter torque increase होता है. One situation will come when both the torques become equal. फिर से सुनिए, हमने torque create किया 100 with the current. ये ऐसा घूमना शुरू हुई, spring tight होना शुरू हुआ, spring ने counter torque बनाया, कितना? 10. अभी भी 100 ज्यादा है. Then it will rotate further, 20. अभी भी 100 ज्यादा है. Then it will rotate, 60. अभी भी 100 ज्यादा है. नाउ इट विल रोटेट, इट हैज कम टू 100. इतना स्प्रिंग टाइट हो गया कि स्प्रिंग ने काउंटर टॉर्क कितना लगाया, 100. और ये करंट भी कितना बना रही है, 100. नाउ व्हाट विल हैपन, विल इट रोटेट फर्दर? नो, नाउ इट विल स्टॉप देयर. जब वो स्टॉप हो जाएगा तो उसका जो इंडिकेटर है वो भी इतना टर्न होने के बाद में स्टॉप हो जाएगा. अब ये दोनों का टॉर्क बराबर हो गया, बट इट हैज टू टर्न. तो उसका जो टर्न हुआ थीटा एंगल में, वो हम किससे काउंट कर लेंगे? इंडिकेटर से. इंडिकेटर और स्केल में हमको दिख जाएगा कि वो कितना डिग्री टर्न हुआ है, राइट? अब ये जो टर्निंग है ये किसके प्रोपोर्शनेट है? आंसर है टॉर्क के प्रोपोर्शनेट. और टॉर्क खुद किसके प्रोपोर्शनेट है? जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना वो स्प्रिंग को ज्यादा घुमाएगा. तो इंडिकेटर का जो टर्निंग है, ये वाला टर्निंग, ये उतना ज्यादा होता जाएगा. लेट्स कॉल इट अल्फा.
तो ये ऐसे अल्फा से घूमते जा रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री पे जाके इसने स्प्रिंग का और इसका बराबर हो गया, तो ये रुक गया। अब ये 30 डिग्री पे रुका है, अगर हम इसको 40 कैसे करेंगे, करंट को इंक्रीज करेंगे, कॉइल का टॉर्क इंक्रीज होगा, कॉइल उसको और ज्यादा स्प्रिंग को टाइट करेगा एंड दिस विल टर्न अप टू 40। सो द टर्निंग ऑफ द कॉइल स्टॉपिंग ऑफ द स्प्रिंग at a particular angle, that indicates how strong is the current. So this is the thing we will write in the working. So working, when current is allowed to flow in the coil which is kept in the magnetic field, a fixed torque is created. हम लोगों ने पढ़ा अभी, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, और ये सभी चीजें कॉन्स्टेंट हैं, इसलिए टॉर्क भी कैसा है, कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई। जब आई बदलेगा तो टॉर्क बदलेगा, ओके। ड्यू टू दिस टॉर्क व्हेन इट स्टार्ट रोटेटिंग देन स्प्रिंग गेट्स टाइट, व्हेन द स्प्रिंग गेट्स टाइट दैट क्रिएट एन एंटी टॉर्क इन द स्प्रिंग। जैसे जैसे रोटेशन होता है दिस एंटी टॉर्क कीप्स इंक्रीजिंग विद रोटेशन, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा स्प्रिंग ज्यादा टाइट होता जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, एंटी टॉर्क बढ़ते जा रहा है। उसके बढ़ने से क्या होगा, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एट वन पॉइंट ऑफ रोटेशन बोथ विल बिकम इक्वल, विच बोथ एंटी टॉर्क एंड टॉर्क क्रिएटेड बाय द करंट, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन रोटेशन स्टॉप्स। जिस पॉइंट पर रोटेशन स्टॉप होगा दिस रोटेशन इज ऑब्जर्व्ड, कैसे ऑब्जर्व करते हम, बाय इंडिकेटर कि कितना रोटेट हुआ है, एंड By calibration, it gives measurement of current. वो जो जहां पर रुकता है हमने अपना तरीका कैलिब्रेशन का हमारे पास है, उस तरीके से हम मेजर कर लेंगे कि ये करंट कितनी है और उस पर लिख लेंगे, दैट गिव्स द इंडिकेटर। आपके पास क्या है, एमीटर, हाँ, दैट गिव्स कैलिब्रेशन, उसका वोल्टेज का कैलिब्रेशन है, एमीटर है, एम्पियर मीटर का कैलिब्रेशन है, इस तरह से हम लोग कैलिब्रेशन, दैट इज ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग। यहां पर हम ये समझ गए कि उसका ऑब्जर्वेशन हम किससे करते हैं, एंगल से, जितने एंगल पर जाकर वो रुकता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर से इसकी वर्किंग में व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशन, आई, करंट, एंड व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन, थीटा, एंगल। तो आई को हम कैसे नाप रहे हैं, थीटा से, दिस इज इट्स वर्किंग। तो गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है, एक लाइन में, इन वन सेंटेंस, द वर्किंग इज व्हेन करंट इज गिवन टू गैल्वेनोमीटर इट शोज रोटेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सारे डिटेल आएंगे, रोटेशन क्यों आया, टॉर्क से, टॉर्क क्यों आया करंट से, फिर रोटेशन आया तो रुक क्यों गया, बाय द काउंटर टॉर्क ऑफ द स्प्रिंग, और कितना मुड़ा, कितना घूमेगा, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा घूमेगा। सो थीटा, रोटेशन ऑफ द इंडिकेटर, गिव्स द मेजरमेंट ऑफ करंट, दिस इज वर्किंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ वी विल कम टू कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट, कि कितनी करंट जाने से थीटा बनता है और गैल्वेनोमीटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एंड दैट विल कम इन द नेक्स्ट आइटम, एंड दैट इज कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन, टॉर्क क्रिएटेड बाय कॉइल एन आई ए बी, एंड हाउ मच इज साइन थीटा, 1, देयरफॉर वी आर नॉट राइटिंग इट, but we will mention it that we know there has to be a sin theta, but that value has become 1. ye torque hai, okay, suppose spring has spring may be na ek quantity hum log lenge, spring constant, that will be torque constant, वो क्या दिखाएगा, that will be
अगर किसी स्प्रिंग को 1 डिग्री रोटेट किया जाए, टाइट किया जाए, कितना 1 डिग्री, तो वो कुछ काउंटर टॉर्क बनाएगा, दैट विल बी दी टॉर्क कांस्टेंट ऑफ दैट स्प्रिंग. टॉर्क कांस्टेंट क्या हुआ, 1 डिग्री रोटेशन, द टॉर्क क्रिएटेड बाय द स्प्रिंग, दैट इज टॉर्क कांस्टेंट. लेट द टॉर्क कांस्टेंट, सपोज स्प्रिंग हैज टॉर्क कांस्टेंट के, ओके, देन आफ्टर सर्टेन रोटेशन दे स्टॉप. कितने रोटेशन के बाद वो स्टॉप होते हैं, तो आंसर है लेट अस से एनी एंगल अल्फा, सपोज द रोटेशन इज बैलेंस्ड आफ्टर टर्निंग बाय एन एंगल फाइव. फाइव एंगल टर्न हुआ और उसके बाद वो बैलेंस हो गया. हम ये नहीं बोलेंगे खत्म हो गया, बैलेंस हो गया एक तरफ से करंट का, ओके, एन एंगल फाइव. देन टॉर्क बाय, दैट इज काउंटर टॉर्क बाय स्प्रिंग इज के इंटू फाइव. एक एंगल 1 डिग्री घूमने से कितना काउंटर टॉर्क लगता है, के, तो 5 डिग्री घूमने से कितना लगेगा, के इंटू फाइव, फाइव इंटू के, ठीक है. देन सिंस बोथ आर बैलेंस्ड वी कैन राइट दिस एन आई ए बी इज द टॉर्क के इंटू फाइव. एन आई ए बी इज इक्वल टू के इंटू फाइव, ओके. अब अगर ये इसके बराबर है तो आई किसके बराबर होगा, वेरी गुड. देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू फाइव. इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, ऑल दीज आर कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स. एक बार हमने कॉइल बना दी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, जो दो मैग्नेट हमने लगाए वो भी फिक्स है, सो ड्यूरिंग रोटेशन ये कोई क्वांटिटी चेंज नहीं होती. ये सब क्वांटिटीज कब पिक्चर में आती हैं, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए गैल्वेनोमीटर. तो ये सब कंस्ट्रक्शन के समय हमने जैसा स्प्रिंग लिया, कितनी बड़ी कॉइल ली, ये सब उस पर डिपेंड करता है. So this become, this quantity become a constant with galvanometer and we call it galvanometer constant. Okay. Since K upon N A B all are constants of galvanometer design, this is termed as galvanometer constant. Galvanometer constant G. So now we can write it as current is equal to galvanometer constant into phi. What is galvanometer constant here? K
के अपॉन एन ए बी। अच्छा अब देखिए, एक कांस्टेंट है, करंट है और एंगल है। सो एंगल और करंट ये आपस में कैसे हो गए? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। दैट मीन्स इफ द आई इंक्रीज टू टाइम्स द एंगल विल चेंज टू टाइम्स। इफ द आई इंक्रीज सिक्स टाइम्स द एंगल विल इंक्रीज सिक्स टाइम्स। देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड एंगल। तो अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर करेंट के लिए एक एंगल नोट कर लिया तो हम पूरा कैलिब्रेशन कर सकते। जैसे 1 एम्पियर के लिए सपोज 10 डिग्री आया तो 20 पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 एम्पियर, 30 पे 3 एम्पियर, 40 पे 4 एम्पियर एंड द होल स्केल इज कैलिब्रेटेड। उसके बाद हम उसको लेकर आए और हमने अपनी मोटर के साथ लगाया, वो जाके खड़ा हो गया 17 पे। नाउ वी नो मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 17 एम्पियर, इट इज कैलिब्रेटेड। ये हम क्यों कर सकते हैं? हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल एंड ओनली एंगल। उसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कुछ नहीं चाहिए और स्क्वायर प्लस माइनस कुछ नहीं चाहिए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस गैल्वेनोमीटर एक्ट एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब गैल्वेनोमीटर की कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे वन ऑफ द स्पेशलिटी इज इट्स सेंसिटिविटी। वन थिंग यू हैव ऑलरेडी डन, व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट, दिस यू हैव डन। व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट? के अपॉन एन ए बी इज गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, नाउ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होगी अगर हम इसको एक यूनिट करंट 1 एम्पियर करंट देंगे तो ये कांटा कितना डिग्री जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा जाएगा उतना हम बोलेंगे कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है। फिर से, एक गैल्वेनोमीटर में हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट दी, 1 माइक्रो एम्पियर, और वो ऐसा दिखाया 2 डिग्री। दूसरे में हमने 1 माइक्रो एम्पियर दी, बड़ी मुश्किल से वो आधा डिग्री उठा, हमको दिखाई नहीं। व्हाट वी विल से, द सेकंड गैल्वेनोमीटर इज नॉट सेंसिटिव। पहले वाला कैसा है? सेंसिटिव। फिर से एक और गैल्वेनोमीटर हम लाए, उसमें भी 1 माइक्रो एम्पियर दिया तो देखा वो ऐसा 4 डिग्री चला गया। अब क्या बोलेंगे? That is very sensitive. तो सेंसिटिविटी हम किससे नाप रहे हैं? डिफ्लेक्शन। और वो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट जितना होगा, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। ओके, सो सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करेंट इज करेंट सेंसिटिविटी। और इसको हम लिखेंगे आई एस। सेंसिटिविटी ऑफ द करेंट इज इक्वल टू फाइ अपॉन आई। ये इसका फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? करेंट सेंसिटिविटी। फिर से देखिए, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू फाई। फाई को यहां से निकालिए, किसके बराबर है? एन ए बी इंटू आई डिवाइडेड बाय के। सो दिस वी कैन राइट एन ए बी इंटू आई डिवाइडेड बाय के। ये किसकी वैल्यू है? फाई डिवाइडेड बाय आई। आई आई और आई कैंसल। सो व्हाट डू वी गेट हियर? एन ए बी अपॉन के। दिस इज करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का डिस्क्रिप्शन कितना हुआ? एन ए बी अपॉन फाइ, एन ए बी अपॉन के। ओके, आप कैसा गैल्वेनोमीटर चाहते हैं? मोर सेंसिटिव और लेस सेंसिटिव? तो आंसर है नेचुरली बेटर क्वांटिटी मींस मोर सेंसिटिव।
Now, how can we increase sensitivity of a galvanometer? Better sensitivity. Better sensitivity के लिए हमने quantify कर लिया है sensitivity को. Quantify किया, this is sensitivity. Better means value is higher. इसकी value high कब होती है? जब क्या ज्यादा हो? Number of turns should be large. Area कैसा होना चाहिए? Large. Coil का area. Magnetic field कैसा होना चाहिए? Strong. और K कैसा होना चाहिए? Less. जितना कम हो. K less कैसे होगा? So answer है the hair spring we are using that should be a soft hair spring. जितना soft होगा उतना कम torque लगेगा घुमाने में, उतनी K की value कम होगी. तो hair spring जितना soft होगा उतना हमारा galvanometer क्या होगा? Sensitive. ठीक है? तो ये याद रखिए, सेंसिटिविटी के लिए चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी चाहिए? N should be large, A should be large, B should be large and K should be less. बस इसको नोट कर लेते हैं, बेटर सेंसिटिविटी. नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज. सेकेंड, एरिया ऑफ कॉइल large. Third, magnets strong, stronger. जितने ज्यादा strong होंगे उतना ज्यादा sensitive होगा. और K small, that means hair spring. Softer. ये चार फीचर होने से गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर विल बी वेरी सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव. ठीक है? दिस इज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड हाउ वी कैन मेक इट मोर सेंसिटिव. एक और टर्म हम इसमें यूज करते हैं, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, वन वोल्ट देने से कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, टू वोल्ट देंगे फिर डिफ्लेक्शन डबल हो जाएगा. जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन जिस गैल्वेनोमीटर में आएगा वो वाला गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है. सबको हमने 1 मिली वोल्ट दिया एंड देर आर 4 गैल्वेनोमीटर. विच एवर गैल्वेनोमीटर विल गिव हायर डिफ्लेक्शन, जो ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज मोर सेंसिटिव. सो उसको हम लिखेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाँ, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट. अब डिफ्लेक्शन को हमने लिखा एन ए बी आई डिवाइडेड बाय वोल्टेज को क्या लिखा? आई इंटू आर. और डिवाइडेड बाय ये है फाई और ये के यहां और आ गया. फाई इज इक्वल टू एन ए बी आई अपॉन के और V को क्या लिखा? I into R. I is cancelled and we get here one upon R and this is again N A B upon K. Or we can write it one upon R into current sensitivity. तो ये क्या बन जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी.
ओके अब अगर हमने किसी की वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे? सेम फोर पॉइंट्स और रेसिस्टेंस को डिक्रीज। कैसे डिक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस को? ये किसका रेसिस्टेंस है? तो आंसर है ये कॉइल का रेसिस्टेंस है। कॉइल के रेसिस्टेंस को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं? रेसिस्टेंस कैसे डिक्रीज करते हैं? लेंथ को डिक्रीज करेंगे, पर अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गई तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम कम नहीं कर सकते। फिर बताइए रेसिस्टेंस कैसे डिक्रीज करते हैं? व्हाट इज द अदर टर्म? एरिया। एरिया एरिया विल इंक्रीज। तो हम क्या यूज करेंगे? एक ज्यादा मोटी तार यूज करेंगे जिसका रेसिस्टेंस कम होगा और नंबर ऑफ टर्न्स उतने ही रखेंगे। तो एन को कम नहीं करेंगे, किसको चेंज कर देंगे? एरिया। दैट मींस थिकनेस ऑफ द वायर विल बी मोर देन वोल्टेज सेंसिटिविटी विल इंक्रीज। समझ में आया? सो विदाउट चेंजिंग करेंट सेंसिटिविटी हाउ वी कैन इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी? बाय टेकिंग द वायर विच इज थिकर। ठीक। सो ये एक छोटा सा पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड बाय टेकिंग थिकर वायर। For making coil, ठीक है? ये हो गया voltage sensitivity. Now come back again to the calculation part. What is the formula for current? This. Out of this, what is this? All constants, construction constant. इसको क्या बोलेंगे? Galvanometer constant. Then I is directly proportionate to phi. What is the use of galvanometer? What is the working of galvanometer? When current is given to galvanometer, it shows reflection. Okay. Now, what is sensitivity? Current sensitivity, the deflection per unit current, and what is voltage sensitivity? Voltage per unit, sorry, deflection per unit voltage. और इसको जब हम रखेंगे फाइ की वैल्यू, वी विल कम टू नो दैट मोर सेंसिटिव विल हैव 1, 2, 3, 4 फीचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट गैल्वेनोमीटर। प्रैक्टिकल में जाके आप गैल्वेनोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज हाफ डिफ्लेक्शन, टू फाइंड द सेंसिटिविटी बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल क्लासेस। करेक्ट। Okay, so this is all about galvanometer.